बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की हमारी ये वीडियो, इमरान खान साहब से ये हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो बलूचिस्तान हो जाएं और जाकर ये जो प्रॉब्लम है इस वक्त इसको सॉल्व करें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने खुद बोला था कि वज़ीर आज़म जो होता है वो कौम का बाप होता है। तो इस वक्त ज़रूरत है वहाँ पर लोगों को आपकी बलूचिस्तान में, तो आप वहाँ पर जाकर उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें। वो आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, वो जस्ट चाहते हैं कि आप आएँ वहाँ पर, उनका साथ दें, ताकि वो भी आपके ही सपोर्टर हैं। उनमें बहुत से लोग आपके सपोर्टर हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर जाएँ, उनके साथ बैठें। तो पूरी कौम इस वक्त यही चाहती है कि आप जाएँ। मुझे नहीं पता आपको किसने क्या बोला है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं या ये वो, जो शायद आपको कोई लफ्ज़ नहीं ठीक से मिला कि आप क्या बोल रहे हो। ब्लैकमेल नहीं बोलना चाहिए था। तो हम इस ये जो वाकया हुआ है दहशतगर्दी का बलूचिस्तान में, इसको भी मुकम्मल तौर पर कंडेम करते हैं, और ये जो भारत की दहशतगर्दी है इसको भी हम चाहते हैं कि ख़त्म हो। तो आप वहाँ पर जाएं और जाकर उनके साथ बैठें, इस मामले को रिजॉल्व करवाएं, जो भी प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह जब आप वहाँ पर जाएंगे आप खुद खुश होकर वापस आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लोग आपसे कुछ डिमांड करने लगे हैं या आपको कुछ कहने लगे हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप आएँ, उनके साथ इस दुख की घड़ी में शरीक हों। तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप जाएँ वहाँ पर, उनका साथ बैठें, उनके जो जो बच्चे उनके शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करें वहाँ बैठकर। तो इस मामले को साथ में रिजॉल्व करें, क्योंकि ये रियासत का इशू है, जैसा कि आपने अपने बयान में अभी भी कहा है थोड़ी देर पहले कि ये हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है। तो वहाँ पर जाकर इसको इसका जवाब दें, ठीक है? तो यही बेहतर है पूरे मुल्क के लिए इस वक्त कि आप वहाँ पर पहुँचें और इस मामले को रिजॉल्व करें। शुक्रिया।